सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है राजा। चलिए शुरू करते हैं। आज जो वीडियो रहने वाली है बहुत इंटरेस्टेड रहने वाली है गाइस। वो इसलिए काफी कमेंट जो मेरे पास आए हैं बूट स्पेस से, माइलेज से, साइज से, गाड़ी के साइज से कि गाड़ी सब 4 मीटर में आती है, मतलब 4 मीटर से छोटी है, और जो अर्टिगा आती है मारुति की अर्टिगा वो 4 मीटर से बड़ी है, मतलब कि बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर। इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, सीएनजी मिल जाती है। कैरन की बात की जाए तो कैरन पेट्रोल का ऑप्शन भी है, डीजल का भी ऑप्शन है। तो आज हम तीनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे, रेनो की ट्राइबर, मारुति की अर्टिगा और किया कैरन को। तीनों के हम बेस मॉडल को ही कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं है कि ट्राइबर का टॉप मॉडल लें और कंपेयर करें उसे अर्टिगा के बेस मॉडल से, या अर्टिगा का टॉप मॉडल लें या किया कैरन का बेस मॉडल लें, नहीं। हम तीनों को कंपेयर करेंगे बेस मॉडल से और बात करेंगे हम एक शोरूम प्राइस पे। वो इसलिए क्योंकि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और अदर चार्जेस के बाद प्राइस बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो मैं दिल्ली का प्राइस लूँ, बिहार का, मुंबई का, कहीं का भी लूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ एक शोरूम पे कि एक शोरूम में गाड़ी कितने की आती है। और हम जो बात करेंगे सिर्फ एक शोरूम पे करेंगे। एक शोरूम रेनो की ड्राइवर का है 6 लाख रुपए, मारुति अर्टिगा का है 8,70,000 रुपए और किया कैरन का है 10,50,000 रुपए। इसमें 1-2 हज़ार रुपए कम ज्यादा हो सकते हैं, वैसे तो ये फिक्स प्राइस ही मैंने आपको बताया एक शोरूम। अब स्टेट वाइज आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं या अदर चार्जेस में इंक्लूड होने के बाद इसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब कि आप सब कुछ देते हैं, आरटीओ के लिए देते हैं, इंश्योरेंस के लिए देते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, इन तीनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट है। कमर्शियल वाले देख रहे हैं तो कमर्शियल वालों के लिए तो बेस्ट है कि वो सीएनजी ही लें, क्योंकि माइलेज का या एवरेज का बहुत ज्यादा इशू रहता है उनको, क्योंकि वो गाड़ी ज्यादा माइलेज या एवरेज नहीं देगी तो वो कमाएंगे कैसे। मेरा एक दोस्त भी है, वो रेनो की ड्राइवर चला रहा है कमर्शियल में, वो फिर भी कमाई कर रहा है। बट क्या है कि जब तक गाड़ी सीएनजी नहीं होगी आप नहीं कमा सकते। लॉन्ग डिस्टेंस की मैं बात नहीं करता, लोकल में, ओला उबर में आप यूज कर रहे हैं, टैक्सी में यूज कर रहे हैं तो आपको सीएनजी मस्ट है, जितना मैंने सर्वे किया है। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं तीनों गाड़ियों के डायमेंशन, कौन सी गाड़ी कितनी बड़ी, कितनी छोटी है, कितना ग्राउंड क्लियरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी की लेंथ की, कितनी लंबी गाड़ी है। तो रेनो की ड्राइवर की लेंथ है 3,990 mm, मारुति की अर्टिगा की लेंथ है 4,395 mm, और वहीं किया कैरन की बात की जाए तो किया कैरन की सबसे ज्यादा बड़ी लेंथ है 4,540 mm। अब हम बात करेंगे गाड़ी की हाइट की। रेनो की ड्राइवर की हाइट है 1,643 और अर्टिगा की हाइट है 1,690, और वहीं कैरन की हाइट सबसे ज्यादा है 1,708 mm। और इन गाड़ियों की चौड़ाई की बात की जाए, चौड़ाई में डिफरेंस आपको अर्टिगा और ड्राइवर में बहुत ना के बराबर देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ तक की बात है, ड्राइवर की चौड़ाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्टिगा। ड्राइवर की जो चौड़ाई है 1,739 mm, अर्टिगा की जो चौड़ाई है गाड़ी की 1,735 mm, और कैरन की सबसे ज्यादा है 1,800 mm। स्पेस की बात की जाए 7 सीटर के साथ ड्राइवर का बूट स्पेस बनता है 84 लीटर, जिसके अंदर ज्यादा सामान नहीं रख सकते हैं। आप स्कूल बैग रख सकते हैं, 3-4 स्कूल बैग या डफल बैग रख सकते हैं। और बूट स्पेस आप जैसे जैसे प्राइस इन्वेस्ट करते हैं गाड़ी में बूट स्पेस बढ़ता चला जाता है। अर्टिगा का बूट स्पेस की बात की जाए 201 लीटर का, और वहीं हम कैरन परचेस करते हैं तो कैरन का बूट स्पेस उससे ज्यादा मिलता है 216 mm का। तो इन अर्टिगा और कैरन में फिर भी आप लगेज रख सकते हैं, कैबिन बैग रख सकते हैं, ड्राइवर में नहीं रख सकते। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो ड्राइवर का है 182 mm, अर्टिगा का 185 mm और कैरन का 195 mm ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस। ड्राइवर की बात की जाए तो ड्राइवर का इंजन आता है 999 cc में, अर्टिगा का इंजन आता है 1462 cc में, और किया कैरन की बात की जाए तो किया कैरन का जो क्यूबिक कैपेसिटी है 1497 cc है। ड्राइवर में 1 लीटर एनर्जी इंजन आता है, अर्टिगा में आता है 1.5 लीटर का K15 पेट्रोल इंजन विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, और वहीं किया कैरन की बात की जाए तो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन स्मार्ट स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ आता है। BHP पावर की बात की जाए तो 71 BHP के साथ आती है ड्राइवर, और 102 BHP के साथ आती है अपनी अर्टिगा, और 113 BHP पावर के साथ आती है किया कैरन।
ये सब सिर्फ मैं जो बात कर रहा हूँ ये बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। किया कैरियर में बीएचपी बढ़ भी सकती है क्योंकि वो डीजल में भी आती है। और ट्राइबर का जो है 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क है अपना अर्टिगा का, और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है किया कैरियर में। और दोस्तों माइलेज की बात की जाए, ट्राइबर का जो माइलेज देखने के लिए मिल रहा है मुझे 12 से लेके 19 तक का, 19 मेरे को माइलेज मिला है इसका हाईवे पे, और कंपनी जो क्लेम करती है 18 से 19 का करती है, 19 मेरे को मिला है माइलेज हाईवे पे। और अर्टिगा की बात की जाए, अर्टिगा का माइलेज क्लेम करती है कंपनी 20 का, कि 1 लीटर में 20 किलोमीटर पर लीटर चलेगी गाड़ी, बट वो 12 से 19 ही चलती है। हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं तो 19 आएगा, बाकी वो ट्रैफिक में वो 12 13 का ही देती है। और कंपनी जो क्लेम करती है किया कैरियर में माइलेज 16 17 का करती है, बट वो 11 12 13 का ही दे पाती है, मतलब कि 11 से 16 के बीच में ही रहता है। अब हम बात करते हैं सेफ्टी की। तीनों गाड़ियों में अच्छी खासी सेफ्टी देखने के लिए मिलती है। जैसे एयरबैग की बात की जाए तो अर्टिगा और ट्राइबर में 2 एयरबैग आते हैं, वहीं किया कैरियर में 6 एयरबैग आते हैं। ट्राइबर 4-स्टार एनकैप के साथ आती है, वहीं अर्टिगा और कैरियर 3-स्टार एनकैप के साथ आती है, 3-स्टार सेफ्टी के साथ आती है, और ट्राइबर आती है 4-स्टार सेफ्टी के साथ। सेफ्टी की जब बात कर रहे हैं, एयरबैग हो गया अपने, 4-स्टार एनकैप, 3-स्टार एनकैप की बात करते हुए, अब बात इंक्रीज होती है। जैसे कि आप ब्रेकिंग की बात करें, ABS तीनों गाड़ियों के अंदर मिलता ही है, ABS हमारा पहले से आ भी रहा है, होती है टेक्नोलॉजी R&D होती है, तो उसके बाद EBD ESP अब तीनों गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलेगा। और BD करके एक ऑप्शन और आता है ब्रेकिंग में, वो कैरियर में मिलेगा। रेयर पार्किंग सेंसर तीनों गाड़ी में मिल जाता है, हाई स्पीड अलर्ट मिल जाएगा, स्पीड बेल्ट रिमाइंडर, हिल होल्ड या हिल होल्ड असिस्ट तीनों गाड़ियों में ऑप्शन मिल जाता है। आप चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं और बीच में आप गाड़ी रुक जाती है तो 2 सेकंड तक ये एक्टिव रहता है, आपको हैंड ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वहीं से कंटिन्यू आप आगे चढ़ा सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ट्राइबर कैरेंस में मिल जाएगा बट अर्टिगा में नहीं मिलेगा गाइस। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको ट्राइबर कैरेंस में मिल जाएगा, अर्टिगा में नहीं मिलता है। कीलेस एंट्री का जो ऑप्शन है सिर्फ कैरियर में मिलेगा, ट्राइबर अर्टिगा में नहीं मिलता है, आपको की से ही अनलॉक करना होता है गाड़ी को। और तीनों गाड़ियों के इंटीरियर में जो मेन पार्ट आपको देखने की ज़रूरत है वो है AC वेंट। समर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है AC की, और AC वेंट सेकंड और थर्ड रो में नहीं होगा तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कैबिन का साइज़ ट्राइबर से लेके कैरियर तक साइज़ इंक्रीज होता जा रहा है। ट्राइबर में सेकंड और थर्ड रो में आपको बेस मॉडल में AC वेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसी अर्टिगा में भी आपको सेकंड और थर्ड रो में आपको AC वेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट कैरियर में आपके बेस मॉडल में ही आपको सेकंड एंड थर्ड रो में आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाता है। मेरा सजेशन ये है कि आप ट्राइबर या अर्टिगा ले रहे हैं तो कोशिश करें कि जिसके अंदर AC वेंट सेकंड एंड थर्ड रो में आता है वो ही लें, वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। फैमिली के साथ जा रहे हैं या कमर्शियल में यूज़ कर रहे हैं आप, वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और कुछ अच्छे सजेशन के लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं गाइस।